gone, or something goes on, my name is changed. Look at the days of Abraham. He was first Abram, and never could have that baby until his name was changed to Abraham. And Sarah, S-A-R-R-A, could not have nothing but a dead womb until her name was changed to S-A-R-A-H. देखिए, हर बार जय हुई या कुछ होता रहा, एक नाम बदला गया। अब्राहम के दिनों को देखिए, पहले वो अब्राहम था और उस बालक को कभी ना पा सका जब तक कि उसका नाम बदल नहीं गया अब्राहम में। और सारा एस ए आर आर ए कुछ नहीं हो सका, परंतु एक मरा हुआ गर्भ जब तक कि उसका नाम एस ए आर ए एच में नहीं बदल गया। Deceiver, that's what he did. He put sheepskin on himself and deceived his prophet father to take the birthright. याकूब का अर्थ चालाक धोखेबाज। उसने यही किया, उसने अपने ऊपर भेड़ की खाल लगाई और अपने पिता पशुदत्ता को धोखा दे दिया कि जन्म अधिकार को ले ले। He put copper sticks in the water, speckled and scared the cattle when it was pregnant with their young to make speckled cattle or sheep. Nothing but a deceiver. उसने पानी में पहाड़ी पीपल की छड़ी डाली, उन्हें चित्तीदार किया पशुओं को जब उनको गर्व हुआ डरा दिया उससे उनके बच्चों के साथ, ताकि चित्तीदार पशु और भेड़ बनाए। कुछ नहीं, बस एक धोखेबाज। परंतु एक रात्रि उसने कुछ वास्तविक पकड़ लिया और वो जान गया कि ये वास्तविक था, और वो उसके साथ रुका रहा जब तक कि जीत नहीं गया, पकड़े रहा, और उसका नाम बदल गया था और इज़राइल कहलाया, जिसका अर्थ एक राजकुमार है। आमेन। क्या ये सही है? आमेन। और जीतने वाला When his faith caught him, hooked up with Jesus, when he told him he was the Messiah and told him who his name was and what his father's name was, he was overcome and changed from Simon to Peter. शमौन मछुआरा था, परंतु जब उसके विश्वास ने पकड़ लिया और जान गया कि वो यीशु था, जब उसने उसे बताया कि वो मसीहा था और उसे बताया कि उसका क्या नाम था और उसके पिता का क्या नाम था, वो जीत गया था और शमौन से पतरस में बदल दिया। Saul, good name. Saul was a king one time in Israel, but Saul didn't have been an apostle. Not the only for a king, but not an apostle. So Jesus changed his name from what? From Saul to Paul. Look at the sons of thunder all down. Saul, अच्छा नाम। एक समय Saul इज़राइल में राजा था, परंतु वो एक Saul प्रेत के लिए सही नहीं बैठा। राजा के लिए सही हो सकता था, परंतु प्रेत के लिए नहीं। इसलिए यीशु ने उसका नाम बदल दिया। किससे? शाऊल से पौलुस। गर्जन के पुत्रों को देखिए और नीचे जाएं। And Jesus, his name on earth was Redeemer, Jesus. When he was on earth, he was a Redeemer, that's true. और यीशु पृथ्वी पर उसका नाम छुड़ाने वाला। यीशु, जब वो पृथ्वी पर था, वो छुड़ाने वाला था। ये सही है। But when he conquered death and hell and overcome him and ascended on high, he received a new name. Amen. That's when you honor the way they do it and don't get nothing. It'll be revealed in the thunder. परंतु जब उसने मृत्यु और नरक पर विजय पाई और उन पर विजयी रहा और ऊंचे पर चढ़ गया, उसने एक नया नाम पाया। आमीन। यही कारण है कि आप शोर मचाते हैं जिस प्रकार वे करते हैं, और उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये गर्जनों में प्रकट किया जाएगा।